नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स सिक्स में। आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। जो स्टूडेंट पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, एसटेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो सीईटी बेस्ड टेस्ट जो अकाउंटेंट वाले टेस्ट हैं ग्रुप नंबर सिक्स उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर डीएसएसबी एनवीएस या किसी भी कॉम्पिटिशन टेस्ट की जो भी आपके अकाउंट से कॉमर्स रिलेटेड है, उन सब के लिए रेलिवेंट रहने वाला है ये। तो करते हैं स्टार्ट इसको। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द मैनेजरियल एक्टिविटी रिलेटेड टू, मतलब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। देखिएगा, हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जब फाइनेंस को मैनेज करना, पैसे को मैनेज करना। भी हमारे पास तो अलग अलग टाइप से पैसा आता है, कैपिटल से भी पैसा आता है, ओन कैपिटल भी आती है, और साथ में हमारे पास डेट से है, इक्विटी से है। तो पैसा कैसे अरेंज किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए कि हम लोग ऑप्टिमम उसको यूज़ कर सकें, तो उसी से बताया हुआ है कि इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती है, मैनेजरियल एक्टिविटी। तो प्लानिंग, देखिए प्लानिंग के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप लोग फाइनेंस को मैनेज कैसे करेंगे जब आपने प्लानिंग नहीं की हुई। उसके बाद है प्रिक्योरमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड। बिल्कुल, आप लोगों को उसका तो फंड का तो अरेंज करना ही है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी है, तो इसमें तो जो मैंने आपको पॉइंट बताए तीनों ही दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ऑल ऑफ अबव जो है वो आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट फाइनेंशियल डिसीजन। कौन सा जो फॉलोइंग फैक्टर है वो फाइनेंशियल डिसीजन को अफेक्ट करता है। कॉस्ट है आपका, रिस्क है, कैश फ्लो पोजीशन है। तो देखिएगा, आप अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आप कॉस्ट को तो ध्यान दे रखेंगे ना कि कॉस्ट कितनी पड़ रही है। अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है तो आप वो डिसीजन क्यों लेंगे, या फिर सस्ते इकोनॉमिक वाले पे ध्यान देंगे। रिस्क आपका हाई होगा और हाई प्रॉफिट, लेकिन आप लोग कौन सा वाला देखेंगे जहाँ पर आपका रिस्क भी कम हो और प्रॉफिट हाई हो। फिर कैश फ्लो पोजीशन, हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर कैश फ्लो पोजीशन को ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि अगर हमारा फ्लो कितना हो गया, हमें फाइनेंस की जरूरत ज़्यादा है लेकिन हमारा फ्लो भी ज़्यादा है, तो हमें कैश को मैनेज करने के लिए हम उसको कहाँ मैनेज करें, तो कैश फ्लो पोजीशन भी तो तीनों ही अफेक्ट करेंगे, तो फिर इसमें भी ऑल ऑफ अबव आने वाला है आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डैश रेफर टू प्लानिंग रिगार्डिंग फाइनेंशियल नीड ऑफ द एंटरप्राइज वेरियस सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड एंड देयर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। देखिएगा, डैश जो है वो प्लानिंग करता है किसकी, एंटरप्राइज के वेरियस सोर्स भी, कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है और उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो अभी तो हम लोगों ने किया था ना ये वाला क्वेश्चन की फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल प्लानिंग ही है आपका जो सोर्सेज को जो रेज फंड करते हैं, तो सोर्सेज को मैनेज कौन करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही करता है। तो उसकी प्लानिंग क्या होगी, फाइनेंशियल प्लानिंग होगी आपकी, तो पहला एक क्वेश्चन ऑप्शन है वो सही रहेगा आपका। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ए फीचर ऑफ फाइनेंशियल प्लान। अब ये फीचर नहीं है, नोट है, ये ध्यान करना है हमने, नोट है। तो सिंप्लिसिटी तो देखो है ही, कॉस्ट क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग में, कॉस्ट कहाँ से आ गई। फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल है, हम लोग इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, फोर साइड आगे की तरफ हम लोग देखेंगे। तो कॉस्ट जो है उसका वो फीचर नहीं है, सिंपली कॉस्ट उसका एक पार्ट कह सकते हैं लेकिन उसका फीचर नहीं है वो। तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा इसमें। उसके बाद डैश इज अ डिसीजन रिलेटेड टू कंपोजिशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग कैसे लेते हैं कैपिटल को, इक्विटी होनी चाहिए, डेट होना चाहिए, या दोनों होने चाहिए, कैसे हम लोग इसको करें। एंड आल्सो डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू जनरेट कैश, मार्केट कंडीशन, फ्लेक्सिबिलिटी, कैश फ्लो एबिलिटी या कंट्रोल। तो देखिएगा, आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए, एक बार आप सोच के देखिए कि कौन सा आंसर होगा। डैश इज अ डिसीजन रिलेटेड टू कंपोजिशन ऑफ, तो कंपोजिशन के अंदर आपका कैश फ्लो एबिलिटी आएगी इसके अंदर, कैश फ्लो की एबिलिटी ही तो बताएगी ना भी आप किस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब आपको डेट से पैसा लेने की ज़रूरत है या इक्विटी से लेने की ज़रूरत है, या फिर आपको ओन्ड कैपिटल लेने की ज़रूरत है, या फिर आप रिटेन डिविडेंड रखेंगे, क्या करेंगे आप। तो काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं, तो फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट उसके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इज एक्सेप्शनली हाई इन। देखिए, रेट ऑफ रिटर्न इसके अंदर हमारे दो पॉइंट आते हैं, एक तो होता है अंडर कैपिटलाइजेशन, एक होता है ओवर कैपिटलाइजेशन, और एक वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल। देखिएगा, अंडर कैपिटलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि हम लोग कैपिटल को कम लगाते हैं लेकिन हमारे पास हायर प्रॉफिट आता है,
कैपिटल की जो रिटर्न है वो हायर होती है। ओवर कैपिटलाइजेशन के अंदर हम लोगों की कैपिटल ज़्यादा लगी होती है लेकिन हमारी जो रिटर्न है वो हायर नहीं होती, वो लो रेट ऑफ रिटर्न होता है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल तो हमारी इसके अंदर करंट एसेट में से अगर हम करंट लाइबिलिटी को लेस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाती है, और फिक्स कैपिटल हमारी जो लॉन्ग टाइम के लिए हमें बिजनेस में प्रॉफिट के अंदर हमें बेनिफिट करती है। तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि अंडर कैपिटलाइजेशन जो है वो आपका आएगा। ओवर कैपिटलाइजेशन में आपने ध्यान रखना है, ओवर ज़्यादा इसका अपोजिट हो जाएगा लो रेट ऑफ रिटर्न, और अंडर का मतलब कम होता है तो इसका अपोजिट हो जाएगा आपका हाई रेट ऑफ रिटर्न। विच ऑफ द फैक्टर अफेक्ट डिविडेंड डिसीजन? डिविडेंड डिसीजन के अंदर क्या आता है देखिएगा, इसमें फैक्टर अफेक्ट डालते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अर्निंग्स, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, ऑल ऑफ अबव। देखिएगा डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है कि हम लोग उसको पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दें या 50% करें या फिर हम पूरा रिटेन कर लें। अगर हमारी कैपिटल के रेट ऑफ रिटर्न है वो हाई आ रही है हमारे बिजनेस इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं 100% उसको रिटेन भी कर लेते हैं, लेकिन हमें लगता है कि भी सेम का सेम ही है अगर हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर हम उसको रिटेन करते हैं तो हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो वो डिसीजन कंपनी का होता है कि कभी रिटेन कर लेती है, कभी डिस्ट्रीब्यूट करती है। लेकिन अगर रेट ऑफ रिटर्न हाई नहीं आ रहा तो डिस्ट्रीब्यूट करना पसंद करती है कंपनी। तो इसमें अफेक्ट कौन सा डालेगा? फैक्टर प्रेफरेंस ऑफ शेयर ऑफ होल्डर, बिल्कुल प्रेफरेंस शेयर होल्डर के ऊपर तो इफेक्ट पड़ता ही है। अर्निंग के ऊपर भी डिविडेंड डिसीजन का इम्पैक्ट पड़ता है। हम लोग अगर डिविडेंड जो है वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है हमारी जो रेट ऑफ रिटर्न है कंपनी की वर्थ है वो इंक्रीज होती है। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, तो डिविडेंड की स्टेबिलिटी पर भी फर्क पड़ता है इसका, स्टेबल रहेंगे अगर डिविडेंड कंटिन्यू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो, या डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ऑल ऑफ अबव इसका आंसर आएगा। उसके बाद है डैश रेफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ टोटल कैपिटल फंड रेज्ड बाय द कंपनी। टोटल कैपिटल फंड रेज होते हैं तो वो क्या स्ट्रक्चर रहता है आपका? फिक्स कैपिटल है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल रिक्वायरमेंट है, या फिर आपका अंडर रिक्वायरमेंट है। तो इसके अंदर फिक्स कैपिटल स्ट्रक्चर जो आपका टोटल कैपिटल फंड है वो किससे रेज होता है आपका? डैश रेफर, तो फिक्स कैपिटल जो है वो इसका आंसर आने वाला है, फिक्स कैपिटल। एक क्वेश्चन है आपका प्लेस वेयर ट्रेड सिक्योरिटी सच एज स्टॉक एंड बोन टेक प्लेस। तो एक तो है जी हमारा प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट या सिक्योरिटी मार्केट, तो कौन सा आएगा आपका? देखिए जिसके अंदर सिक्योरिटी सच एज स्टॉक एंड बॉन्ड्स है तो सिक्योरिटी मार्केट जो है इसका आंसर आने वाला है। इसके अंदर पार्ट्स ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट आर स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट, नन ऑफ अबव, या फिर बोथ ए एंड बी। तो पार्ट ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे दोनों ही आते हैं, स्कीम ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जिसके अंदर स्कीम बताई जाती है, और स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट ये भी बताया जाता है। फिर है आपका फर्स्ट एंड फोरमोस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड इज ऑफर डॉक्यूमेंट, प्रोस्पेक्टस, ए एंड बी स्टेटमेंट, या फिर स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल ऑफर इंफॉर्मेशन। तो देखिएगा फर्स्ट ऑफ जो फोरमोस्ट डॉक्यूमेंट होता है आपका वो ऑफर डॉक्यूमेंट होता है, ऑफर डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये ध्यान करना क्योंकि फर्स्ट आ गया इसके अंदर वो फोरमोस्ट है तो ऑफर डॉक्यूमेंट आएगा इसके अंदर। फिर है रोल ऑफ मर्चेंट बैंकर आर, मर्चेंट बैंकर का जो रोल है वो मेंटेनेंस ऑफ बुक है, एग्रीमेंट विद इशूइंग कैपिटल, एक्शन बाय आरबीआई। तो रोल ऑफ जो मर्चेंट बैंकर होते हैं उनका जो मेंटेनेंस बुक भी होता है, एग्रीमेंट बाय इशूइंग कैपिटल भी होता है कंपनी भी होता है, एक्शन बाय आरबीआई भी होता है, तो ऑल ऑफ अबव आएगा इसका आंसर। फिर उसके बाद है आपका इसमें पार्ट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट आर प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, या फिर न्यू इशू मार्केट। देखिएगा इसका आंसर सी रहेगा आपका, ए एंड बी दोनों ही है सिक्योरिटी मार्केट के अंदर, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। फिर है इंटरमीडिएटरी इन प्राइमरी मार्केट, न्यू इशू मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं? मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, बैंकर ऑफ टू इशू। तो देखिए ऑल ऑफ अबव आएगा, प्राइमरी मार्केट जो न्यू इशू होते हैं तो मर्चेंट बैंकर भी प्राइमरी जो शेयर्स इशू करते हैं, मतलब फर्स्ट भाग जो न्यू इशू होता है, अंडरराइटर्स भी करते हैं, बैंकर्स भी करते हैं।
रोल ऑफ न्यू इशू मार्केट आर, जो न्यू इशू मार्केट है उसका क्या रोल होता है, लिक्विडिटी को बढ़ाते हैं, बिल्कुल लिक्विडिटी बढ़ती है इससे, डाइवर्सिफिकेशन बढ़ता है, रिडक्शन इन कोस्ट, तो तीनों चीज़ें आएंगी न्यू इशू मार्केट के अंदर, तो ऑल ऑफ अबव आएगा इसका आंसर भी। उसके बाद देखिएगा आप, फंक्शन ऑफ न्यू इशू आर ऑर्गेनाइजेशन अंडर राइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो ओरिजिनेशन अंडर राइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऑल ऑफ अबव आएगा इसका आंसर भी। मेथड ऑफ फ्लोटेशन आर, तो देखिए फ्लोटेशन क्या होता है कि जब हमारे शेयर्स हैं हम लोग उसकी जो रेट है उसको अप एंड डाउन करें अपने अकॉर्डिंग करें, तो अपने अकॉर्डिंग में मतलब क्या हो जाएगा इसके अंदर, तो फ्लोटेशन आएगा, जैसे कि ऑफर थ्रो प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के थ्रू हम अपने रेट को कर सकते हैं, ऑफर फॉर सेल, या फिर बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग क्या होता है कि हम लोग एक बिड लगा देते हैं, अभी इतने इतने शेयर्स हम लोगों ने ऑफर करा, अब जब अलग अलग कंपनीज हैं, अलग अलग पर्सनस हैं, वो शेयर्स को एप्लीकेशन लगाती हैं, तो जिसके ज़्यादा शेयर होते हैं और कम ज़्यादा रेट होता है तो उसी को ही कंपनी क्या करती है, बुक करती है, तो उसको बुक बिल्डिंग बोलते हैं, तो ऑल ऑफ अबव आएगा इसका आंसर। फिर है टाइप ऑफ प्राइसिंग ऑफ इशू, फिक्स इशू प्राइस, बुक बिल्ड इशू, बोथ ए एंड बी, नो नो अबव। देखिए फिक्स इशू प्राइस के अंदर प्रोस्पेक्टस निकाल दिया आपका, 1000 रुपये का एक शेयर है, 1000 का ही रहेगा। बुक बिल्डिंग के अंदर आपको नहीं पता, आपने मान लो 1000 रुपये का लगा दिया और किसी पर्सन ने 900 रुपये लगा रखा, किसी ने 990 रुपये लगा रखा है, तो देखिए अब 1000 रुपये वाला जो है वो सबसे ज़्यादा, तो कंपनी नेचुरल सी बात है 1000 रुपये वाले को बुक करेगी क्योंकि 1000 रुपये उसको मिल रहे हैं। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि 990 शेयर्स वाले, अगर मान लो 1000 शेयर अप्लाई कर रहे हैं और 1000 शेयर वाला सिर्फ और सिर्फ 90 शेयर अप्लाई कर रहा है या 100 कर रहा है, तो 990 वाले को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी, मतलब रेट हाई हो और शेयर्स भी हाई हो। अगर रेट थोड़ा सा कम हो लेकिन शेयर बहुत ज़्यादा हाई हो तो फिर जिसके पास शेयर क्वान्टिटी है उसको देखा जाएगा। बुक बिल्डिंग के अंदर जनरली क्या होता है कि शेयर भी हाई होने चाहिए क्वांटिटी और रेट भी हाई होना चाहिए, तो बुक बिल्डिंग बोला जाता है उसको। स्टॉक मार्केट कंपनीज आर ट्रेड इन, एक्सचेंज मार्केट करती है, ओवर द काउंटर मार्केट करती है, ए एंड बी दोनों को करती है ये। फिर है डैश इज द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, सेफ्टी लिक्विडिटी स्पेकुलेशन। देखिएगा सेफ्टी है बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, लिस्टेड कंपनियां ही काम करती हैं, लिक्विडिटी पैसे की जो लिक्विडिटी है वो बनी रहती है, स्पेकुलेशन देखिए शेयर मार्केट एक सट्टा है, ये सभी कहते हैं शेयर मार्केट एक रिस्क है, कब राजा बन जाओ कब रंक बन जाओ कुछ नहीं पता, तो शेयर मार्केट के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो स्पेकुलेशन तो है ही, तो ऑल ऑफ अबव आएगा इसका आंसर। फिर देखिएगा विच इज़ नॉट ए इम्पोर्टेंट स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टर ग्रोथ, सेविंग, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी, नन ऑफ अबव। तो इम्पोर्टेंट स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर की ग्रोथ इम्पोर्टेंट है, सेविंग इम्पोर्टेंट है, और कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी इसके अंदर कोई भी मैटर नहीं करता है। डैश ए ऑर्डर शुड हैव टाइम इन फोर्स वैल्यू, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, या फिर आपका स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, तो मार्केट ऑर्डर जो आएगा इसके अंदर आएगा टाइम इन फोर्स। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग और भी ज़्यादा MCQs करेंगे और काफ़ी सारे टॉपिक्स जो मिक्स करके करेंगे। अभी तो मैंने क्या किया है कि आपको पर्टिकुलर कुछ स्पेशल टॉपिक उठाए हैं उसके ऊपर क्वेश्चन करा रही हूँ, तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते जाएंगे तो मिक्स क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्वेश्चन लगभग इसी तरह के ही आपके आते हैं पेपर के अंदर और ऐसे ही आएंगे, और इसके अंदर जो आपका PGT कॉमर्स है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, तो बहुत ध्यान से करना है आप लोगों को, ये नहीं कि कब चलो जी एक सही हो गया तो कोई बात नहीं दूसरा गलत हो गया, गलत नंबर के अंदर आपके 0.25% मार्क्स कट जाएंगे, यानी कि 1/4 नंबर, एक नंबर आपका ठीक का मिलेगा और 0.25 आपके कट जाएंगे, तो कटने के बाद जो मेरिट बनेगी ना उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो 25% मार्क्स चाहिए, 25 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए 100 में से, तो आपने बहुत ध्यान से करना है। अगर आपके 25 तो ठीक हो गए लेकिन आपके जो गलत वाले मार्किंग हो गई माइनस में, तो फिर उससे आपकी मेरिट खराब हो सकती है, इसलिए आपने इस चीज़ का काफ़ी ख्याल रखना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।